मेहनत 15 मिनट में खत्म हो जाती है अगर खेत में जानवर आ जाते हैं तो। इसलिए सरकार ऐरा प्रथा खत्म करे, गौशाला बनवाएं, गांव में सुविधा उपलब्ध कराएं। 4 महीने की मेहनत 15 मिनट में खत्म हो जाती है, जानवर खेत में घुसा तो। इसलिए ऐरा प्रथा खत्म हो जाए, सरकार मवेशियों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएं, गौशाला बनवाएं, गांव में जानवर पालने वालों को सुविधा उपलब्ध कराएं। इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए रीवा के वेंकट भवन परिसर के पास सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। रीवा जिले में व्याप्त ऐरा पशुओं की समस्या के उचित प्रबंधन की मांग को लेकर यहां पर कुछ लोग अनशन कर रहे हैं। ऐरा पशु मुक्त अभियान समिति के लोग हैं। आपको मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, आई लव माई रीवा। सवाल इसी बात का है कि आई लव माई रीवा कैसे बनेगा जब गाँव के लोगों की समस्याएं लगातार इसी तरीके से रहेंगी। क्या है समस्याएं आपकी? मैं विनोद कुमार शुक्ला, मेरा नाम है, रीवा जिले की निवासी हूँ। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों की ऐरा समस्या है। आवारा निराश्रित जानवर हम कह सकते हैं कि वो समस्या पूरे खेती को चटकर जा रही है और लोग खेती का रकबा घटा रहे हैं। कोई 2 एकड़ में खेती कर, सरकार ये कह रही है कि रीवा में खेती के लिए हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया, फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? बाढ़ सागर का पानी देने से कोई मतलब नहीं है। अगर किसान का खेत 24 घंटे ताकने के बाद 4 महीने किसान खेत ताकता है और अगर आवारा जानवरों को 15 मिनट 20 मिनट का भी समय मिल गया तो 4 महीने की मेहनत जो है शून्य हो जाती है। किसान 4 महीने की मेहनत शून्य हो जाती है। बस अगर आवारा पशुओं को हमने 15 मिनट दे दिया, इसका सीधा सा अर्थ है हमें लगातार 4 महीने खेत में रहना पड़ता है। ये आज की तारीख की किसान की सबसे बड़ी मजदूरी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत। जहां आपको घर में होना चाहिए इस समय, आप रीवा शहर के हृदय स्थल वेंकट भवन के सामने बैठी हुई हैं, क्यों आखिर? मेरा नाम मंजुला सिंह है, मैं त्योथर विधानसभा से आती हूं। आज हम महिलाओं की समस्या बहुत जटिल हो चुकी है, ना हमें रोजगार मिल रहा है। हम पुश्तैनी काम करते थे, गाय पालते थे, उसके गोबर से खाद बनाते थे, उसके गोबर से हम लोग ईंधन बनाते थे और भोजन पकाते थे। उसके साथ साथ जो दूध और मट्ठा होता था उससे हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। आज वो सब इन शासन के जो इस समय के शासन हम महिलाओं की तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहा। आप चाहती क्या है? हम ये चाहते हैं कि गौशाला बन जाए, उसका गौशाला में गाय सुरक्षित हो जाए और हम लोग अपना रोजगार कर सके, डेयरी के माध्यम से, किसी माध्यम से भी खाद बना करके। तो सरकार थोड़ी सी मदद कर दे, हालांकि ऑर्गेनिक खेती का जमाना है, अगर मदद कर देगी तो हम खाद बना के भी अपने अपने परिवार का दूध दही की बात तो सोने में सुहागा होगी। सवाल यहीं से शुरू होता है, जिस तरीके से आपने कहा और आपने, आप लोग यहाँ पर अनशन में, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार ये समस्या बनी हुई है, ऐसे में क्या अब आगे? क्या अब आगे? हमारी जो ये पूरी मुहिम है, ये पिछले दर्शकों को बता दीजिए कितने दिन से बैठे हैं हम लोगों की पूरी मुहिम के बारे में आपको थोड़ा समय पर। कितने दिन से बैठे हैं आप? 26 जनवरी से बैठे हैं। आप बताइए, उसके पहले हमने 31 दिसंबर को एक किसान संसद बुलाई थी। क्या कह रहे थे ये बताइए। 31 दिसंबर को हमने किसान संसद बुलाई थी जिसमें हमने सभी किसान संगठनों को एकत्रित किया था और इस समस्या पर उनके सुझाव मांगे थे। तो उस पर बात यह समझ में आई कि हमारी किसानों की जो समस्या है वो लागत के बराबर की मूल्य की लड़ाई पिछले 8-10 साल से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो लागत के बराबर का मूल्य मिलना तो दूर, अब तो अस्तित्व पर संकट आ गया। जानवरों की समस्या ने लागत को जीरो कर दिया। अगर लागत हम 10,000 रुपए लगा करके पहले हम 9,500-10,000 तक पा भी जाते थे तो अब तो हम वो जीरो हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप अनशन में बैठे हैं, इसका कोई निराकरण भी हो सकता है? कुछ आपने क्या मांगा है सरकार से? हमने पहली चीज मांगी है कि गौ अभ्यारण बनाए जाएं, 2 से 3-4 गौ अभ्यारण रीवा जिले में हो। लगभग 1 लाख आवारा पशुओं की संख्या अनुमानित है जो पूरे जिले भर में यहाँ पर है। बॉर्डर एरिया से लगे हुए होने की वजह से वहाँ से भी बहुत सारे जानवर देवघर के क्षेत्र से होते हुए रीवा जिले में आते हैं। ऐसे में हमें बड़े 4 गौ अभ्यारण बनाने की जरूरत है, जिसमें से सरकार ने पिछले इस मुहिम के चालू होने के बाद 3 गौ अभ्यारणों का प्रस्ताव भी सरकार ने
गौ संवर्धन विभाग को भेजा है। क्या ये माना जाए कि आपके धरना प्रदर्शन ने आपको एक सफलता दिला दी? जी हाँ, इस मुहिम ने ये सफलता दिलाई जरूर है कि पिछले चार महीने से जब से हमने इस कार्यक्रम को संचालित किया है, सरकार प्रशासन से हमने बातें रखी हैं, डायरेक्टली तो उन्होंने हमको एंडोर्स नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे पे उन्होंने इस बात को, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि तीन गौ वन विहार के प्रस्ताव उन्होंने भेजे, तीन गौ वन भेज दिए सरकार ने इनके धरना प्रदर्शन के बाद। मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिखाना चाहूंगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका कहना था, आप लोग आ जाइए, इनका साफ तौर से कहना था भारत गांव में बसता है, जब गांव के लोगों की समस्याएं ही दूर नहीं होंगी तो भारत कहां बसेगा। आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल, हमारी नजर इन पर बनी रहेगी, जो भी ये ताजे इनके घटनाक्रम होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।